हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर अगले डेट में जो है बीएसएससी केस को लेकर सुनवाई होगी, यानी अगले सप्ताह सुनवाई होगी या नहीं। दोस्तों, इससे पहले हम आपको थोड़ा सा कुछ अपडेट दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि अभी हम आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हुए। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट और 4/3/2022 यानी कल के दिनों में आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस डाला गया। और ये नोटिस किस चीज को लेकर किया गया दोस्तों, आप देख सकते हैं किस चीज को लेकर नोटिस है। विज्ञापन संख्या देख सकते हैं कि जो है 0411। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, क्लिक हेयर व्यू रिजल्ट और एडवर्टाइज नंबर दिया है सिविल मैकेनिकल इन लाइट। देख सकते दोस्तों, फॉर ऑर्डर पास्ट ऑन SLP स्लिप दिया दोस्तों, नंबर यहाँ दे दिया और डेटेड 20/9/2021। यानी ये जो एक प्रकार से क्लिक हेयर टू व्यू रिजल्ट, ये रिजल्ट के बारे में दिया गया है जिसके हम दिखाएंगे दोस्तों कि इसमें क्या कुछ है। तो अब यहाँ से देख पाएंगे और इसमें क्या कुछ कहा गया है। इससे दोस्तों सारी प्रक्रियाएं तो ठीक ठाक चल रही है, लेकिन बीएसएससी इंटर लेवल की जो प्रक्रिया है मेरिट को लेकर अभी तक आयोग ने उस पर बिल्कुल ध्यान देने से एकदम मना कर दिया। समझ लिए दोस्तों कि आखिर ऐसा क्या किया है छात्रों ने, छात्रों की क्या दोष है जो कि इसका मेरिट जल्द से जल्द जारी नहीं की जा रही है। यहां से देखेंगे कि जो है 4/3/2022 में ये दिया गया और ये था पद, ये देख सकते हैं पद कनीय अभियंता और सैनिक यांत्रिक। विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं, ये जो है दोस्तों रिजल्ट दिया गया लगभग 73। यहाँ देख सकते हैं नए अभ्यर्थियों को जो है इसमें अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया है। और दोस्तों इसमें देख सकते हैं सफल 73 अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक निम्नवत है। तो एक तरह से ये मेरिट ही एक तरह से दोस्तों अंतिम रूप से सफल घोषित किया जाना, मतलब आप समझ सकते हैं। और इसके जब हम नीचे आते हैं, इसमें बहुत सारे जो है छात्रों को लगभग आपने देखा कि जो है 73 नए लड़के को इसमें जो है लिया गया है। ये तो दोस्तों था अलग। अब हम थोड़ा सा आते हैं बीएसएससी को लेकर कि आखिर चल क्या रहा, बीएसएससी में हो क्या रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो है इस सप्ताह जब 2 मार्च को डेट दिया गया और इस सप्ताह ऐसे ही खाली निकल गया, कहीं भी बीएसएससी का हाईकोर्ट में जिक्र तक नहीं हुआ। अब इस चीज को समझ लें। और अब अगले सप्ताह जैसे कि दोस्तों सोमवार जो कि आने वाले हैं लगभग 7 तारीख, यानी 7 मार्च को भी जो है 7 मार्च को इसकी सुनवाई होगी या नहीं होगी अभी तक ये कंफर्म नहीं है। क्योंकि मैंने बताया दोस्तों कि चल क्या रहा है कि वहाँ पैसे की कमी हो गई जिन्होंने केस किया था। अब वो जब तक पैसे नहीं देते हैं वकील को, तब तक वो इस केस को आगे बढ़ाएंगे नहीं, इस केस के बारे में वो सोचेंगे नहीं। तो आखिर छात्रों की जिंदगी इतनी तबाह की जा रही है, 12,000+ स्टूडेंट का छात्र का जिंदगी बर्बाद हो रहा है, कौन कर रहा है ये बर्बाद। अब इस चीज को समझ सकते हैं। और हम आपको बता दोस्तों कि अब छात्रों को सोए रहने से बिल्कुल नहीं होगा, अब अपने हक और अधिकार के लिए आपको लड़ना होगा, आपस में एक हो करके जो है सभी को बीएसएससी के खिलाफ, हम आपको बता दें कि जल्द से जल्द मेरिट जारी करें, इसके लिए आवाज आपको उठाना होगा। नहीं तो आयोग चुपचाप सो रही है बीएसएससी इंटर लेवल के वैकेंसी के मामले में और अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं किया। आयोग चाहेगी तो जल्द से जल्द मेरिट जारी कर सकती है। मैंने बताया था दोस्तों पिछले वीडियो की न्यू एनसीएल को जो है एक्सेप्ट, प्रोविजनली एक्सेप्ट करके वो मेरिट जारी कर सकती है, लेकिन ऐसा आयोग ने अभी तक नहीं किया। आयोग कितना स्पीड, कितना तेजी से काम किया, आपने देखा कि जनवरी में सभी छात्रों का काउंसलिंग करा लिया तो फट से वो मेरिट भी दे देते, केस केस के जगह पर रहता है और बाद में सुनवाई होने से सारा चीज क्लियर कर दिया जाता, लेकिन ऐसा आयोग ने अभी तक नहीं किया। छात्रों की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो रही है, एक एक दिन किस प्रकार से छात्र काट रहे हैं आप भली भांति से जान रहे हैं। तो यही कुछ अपडेट था दोस्तों। अब अगले सप्ताह में देखिए कि क्या होता है। अब सभी छात्रों को इसमें आगे आना होगा। अब छात्र जो मैंने हम आपको एक चीज और बता दोस्तों कि जो छात्र न्यू एनसीएल के मामले से हटकर हैं, वो छात्र अब जो है हाई कोर्ट का पुनः दरवाजा खटखटाएंगे। इसके लिए वो पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है, पूरी तरीके से तैयार है, सिर्फ एक जो है दोस्तों सुनवाई का जो है फैसले का इंतजार कर रहे हैं। और भी उसमें लेट लतीफी हुआ तो एक जो है केस और भी फाइल की जाएगी, ये मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो यही कुछ अपडेट था इस वीडियो में। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।